आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन टिक्का, वो भी तवे पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है बोनलेस चिकन। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक, 1 चम्मच हल्दी, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और चाट मसाला, ये 1-1 स्पून, 1 स्पून जीरा पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच नींबू का जूस, लेमन जूस और 2 चम्मच दही, योगर्ट। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से हाथ से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से चिकन में मिल जाएं। अब हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप जितना ज़्यादा इसे फ्रिज में रखेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। 1 घंटे के बाद इसे हम फ्रिज से निकालेंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज और शिमला मिर्च, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे सीख में लगाएंगे। अगर आपके पास लोहे की सीख है तो आप लोहे की सीख का यूज़ कर सकते हैं या ये लकड़ी की सीख भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली तवे पे भी थोड़ा सा ऑयल डाल के पका सकते हैं। गैस ऑन करके उस पर तवा रखेंगे और उसमें 1.5 स्पून ऑयल डालेंगे। अभी हम सीख को तवे पे डाल के उसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो उसमें पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और टिक्की को टर्न करेंगे। इसे हम अच्छे से घुमा के पका लेंगे।